से मार्ग बाधित हुए हैं। मसूरी से कैंप में जाने वाला मार्ग बाधित है। सड़क का एक हिस्सा अवरुद्ध साफ से क्षतिग्रस्त हो गया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई मार्ग ऐसे हैं जो कि अवरुद्ध हो गए हैं। वहीं मसूरी से कैंप में जाने वाला मार्ग जो है वो बाधित हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क का एक बड़ा हिस्सा अवरुद्ध साफ से क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल मार्ग बंद है चारपहिया वाहनों के लिए, लेकिन जो बाइक सवार हैं वो मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द मार्ग को ठीक करने की। हालांकि बता दें कि बारिश की वजह से ये बुद्ध साफ हुआ है और सड़क का एक बड़ा हिस्सा धस गया है, जिसकी वजह से मार्ग अवरुद्ध हो गया है, बाधित हो गया है। लोग अभी इस मार्ग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, बारिश की वजह से कई जगह से, कई इलाकों से इस तरह की खबरें जहां पर सड़कें धस रही हैं। वहीं मसूरी से कैंपटी जाने वाला ये जो मार्ग है ये अब बाधित हो गया है। तो मसूरी से कैंपटी जाने वाला मार्ग बाधित, सड़क का एक हिस्सा भूत साफ की वजह से गिरा। नहीं नहीं नहीं, जनहानि नहीं है सब कुछ। तो तस्वीरें देखिए, ये मार्ग की तस्वीरें उस की जहां पर एक बड़ा हिस्सा सड़क का भूधसाव की वजह से धस गया है और अब फिलहाल ये जो मार्ग है बाधित है, लेकिन काम चल रहा है। टीम यहां मौजूद है जो कि सड़क को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है। तो बारिश की वजह से ये हादसा जहां पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धसा, ये ना सिर्फ इस इलाके की खबर बल्कि उत्तराखंड में बारिश की वजह से कई जगह की इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कहीं भूस्खलन की वजह से मलबा सड़कों पर आ रहा है तो कहीं भूधसाव हो रहा है। और ये जो फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं मसूरी की है, जो कि ये मार्ग कैंपटी फॉल की तरफ जाता है और इस सड़क का एक बड़ा हिस्सा धस गया है। बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं, लोगों को अभी रोका जा रहा है फिलहाल मार्ग का इस्तेमाल करने से, लेकिन दुपहिया वाहन फिर भी निकल पा रहे हैं, लेकिन चार पहिया वाहनों की बात करें तो वो अभी इस मार्ग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन मौके पर मौजूद है, टीम लगातार काम कर रही है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाइव, और मसूरी से कैंपटी जाने वाला ये मार्ग है जिस पर काम चल रहा है। देखिए पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और साथ ही एसडीएफ की टीम भी मौजूद है जो कि काम कर रही है, बैरिकेडिंग की हुई है। जो वाहन है वो भी यहां से आने जाने का प्रयास कर रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि आधा हिस्सा है सड़क का वो धसा है। ऐसे में जो लोग हैं वो इस कोशिश में हैं कि जितनी जगह है वहां से निकला जा सके। दोपहिया वाहन तो इसीलिए निकल रहे हैं, लेकिन चार पहिया वाहनों की बात करें तो वो ये विगत पिछले वर्ष में भी सेम यही हाल हुआ था। उसका एक ही कारण है, जितने भी भवन निर्माण यहाँ पे हो रहे हैं, चाहे वो हमारे लोकल लोग कर रहे हैं या भारी बाहर से आए हुए लोग कर रहे हैं, तो वो जब भवन निर्माण करते हैं तो नाली के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं, पानी के पास होने के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं। उस कारण पानी जो है एक जगह एकत्रित होकर फिर इस तरह से ये सड़क दुर्घटना या सड़क ये गिर जाती है। तो इसका एक ही मात्र कारण है, और हमने सभी लोगों को समझाया भी था कि यार जब आप भवन निर्माण करते हैं तो कम से कम पानी पास होने के लिए नाली छोड़नी चाहिए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारे लोगों की गलती भी है, कमियां हैं, और उसीलिए इस तरह के जो है ये घटनाएं और हादसे होते हैं। ये भारी बारिश हुई है रात को? हाँ, कल भारी बारिश हुई है, उस कारण पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया था और एक ही जगह एकत्रित होकर इस तरह से फिर दिवाली गिरी यहाँ पे। कल फिर हम लोग सब एकत्रित हो गए थे, हमने यहाँ पे तार वार ये वाइंडिंग करी, तो उसके बाद बस एक छोटी सी गाड़ी निकलने की जगह बची थी। तो कल लोग, हम सब लोकल लोग ही एकत्रित होते हैं जब इस तरह से हादसा होता है, घटना होती है, तो हम सबको सूचित कर देते हैं। तो धनराज जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। धनराज, देखिए तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, सड़क का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा जो कि धस गया है बारिश की वजह से, काम चल रहा है, लेकिन क्या जो वहां लोग आ जा रहे हैं, सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं आवाजाही के लिए, उन्हें रोका नहीं जा रहा है? क्योंकि तस्वीरें दिख रही हैं कि दोपहिया वाहन तो इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो ये काम है कब तक पूरा होगा, कब तक सामान्य हो जाएगा रास्ता?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड के तमाम क्षेत्र में जो बारिश हो रही है उससे कहना की जो सड़कें हैं वो टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ताजा मामला देखिएगा कि ये मसूरी का है कि मसूरी से कैंटिकोल जाने वाला जो मार्ग है उस पर एक हिस्सा सड़क का धस गया और जिसके कारण आवाजाही में थोड़ा परेशानी जरूर हो रही है। हालांकि जो पीडब्ल्यूडी के विभाग के लोग हैं वो वहां पर कार्य करने के लिए जुट चुके हैं और उसकी मरम्मत करने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही ये सामने देखने को मिल रही है कि जो आवाजाही है वो लगातार जारी है। यदि ऐसे में कोई बड़ा हादसा घट जाता है तो इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी कौन उठाएगा, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए आपने तस्वीरों में देखा होगा कि जो मार्ग है वो सड़क का हिस्सा काफी बड़ा हिस्सा धसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहां से आवाजाही कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक खतरा जरूर मंडरा रहा है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अब जाहिर है इस तरह की तमाम तस्वीरें उत्तराखंड से लगातार आ रही हैं, टीम काम भी कर रही है, ये जो सड़क का हिस्सा धंसा है ये किस वक्त की बात है, कब यह हादसा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए देर रात का मामला है कि जब तेज बारिश मसूरी के अंदर हो रही थी तो उसी वक्त ये जो हिस्सा है ये धंस गया और जिसके बाद जो ग्रामीण है उन्होंने राहगीरों ने चलते जो है उन्होंने प्रशासन को इसकी सूचना दी है और सूचना के बाद जो प्रशासन की टीम है वो वहां पर जरूर पहुंची है, लेकिन पीडब्ल्यूडी की टीम भी वहां पर पहुंची है और तमाम टीमें कहीं ना कहीं अब उस रास्ते को सुधारने की कवायद में जुट चुकी हैं और माना जा रहा है कि आज शाम तक उस रास्ते को सही कर दिया जाएगा, आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।